जरा सोचो, अगर तुम उर्मी के साथ मिलकर एक और बच्चा पैदा करते हो तो तुम जानते हो ना क्या होगा। निशान और उर्मी की शादी तो टिक ही नहीं पाएगी, क्योंकि मैं इस बात के लिए कभी नहीं मानूंगी, एंड आई एम श्योर अनिरुद्ध भी नहीं मानेगा। जब हम दोनों ही नहीं मानेंगे तो ईशान क्या कर पाएगा? तो फिर नतीजा क्या होगा? नहीं, नतीजा तो पूरा होगा। मतलब आप छुटकारा मिल जाएगा उर्मी से? Exactly. तो तुम जाओ ना, उर्मी के साथ एक और बच्चा पैदा करो। अरे तुम्हारा बेटा भी बच जाएगा और मुझे छुटकारा भी मिल जाएगा। मेरी मदद भी हो जाएगी ना? मगर तानी, तानी का क्या होगा? आपकी मदद करने के चक्कर में तानी मेरी छुट्टी कर देगी हमेशा के लिए? नहीं 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 नहीं, आपको क्या लगता है कि तानी तैयार हो जाएगी इस कॉम्प्रोमाइज के लिए? आप कर लेंगे कन्विंस लगता है आपको? कन्विंस करने की जरूरत तो तब आएगी ना सम्राट, जब जब उसे कुछ पता चलेगा। मैं उसे कुछ पता चलने ही नहीं दूंगी। कुछ भी नहीं? हाँ, तो इतनी बड़ी बात छुपा लूंगी। ये हुई ना बात सम्राट, आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग लाई। क्या 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 एक्टर हो यार, कमाल का ड्रामा करते हो। बाय गॉड, ले लिया ना सासू मम्मा को आटे में। नहीं सासू मम्मा, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकता हूँ। सासू मम्मा, मैं तानी से बहुत प्यार करता हूँ। शीज माई लाइफ लाइन। उसको पता चल गया मेरी शादी पे बात आ जाएगी। सासू मम्मा नहीं प्लीज, जैसे एक जादूगर की जान तोते में होती है, मेरी जान तानी में है। तोता उड़ गया, ये जादूगर मर जाएगा हमेशा के लिए। तुम बस ईशान और उर्मी की शादी तोड़ दो, मैं तुम्हारी शादी कभी टूटने नहीं दूंगी। आई प्रॉमिस। पक्की पक्की बात? तुम्हारी कसम। डील? डील। चलिए फिर, जैसा आप कहते हैं फिर वैसा ही होगा, फिर और क्या। अब देखना दामाद जी, मैं कैसे एक तीर से दो शिकार करूं। वहां ईशान की लाइफ से उर्मिया उठ, और यहाँ तानी की लाइफ से तुम।